अंधे हो क्या? दिखाई नहीं ना देते? तुम्हें, मैं तो अंधा हूँ, तुम तो दिख के चल सकते थे। मैं तो दिख के चल रहा हूँ, तुम्हारी वजह से मेरे लंबे के पकड़ गए हो। इसमें मेरा क्या दोष है? भगवान ने मुझे ऐसा बनाया है, इसमें मेरा क्या दोष है? तो मैं क्या करूँ, तुम किसी दिख के चल रहा चाहिए ना? एक तो लड़ाई में हो, फिर उसका तो धक्का दे रहे हो। मैं भी तो इस देश का नागरिक हूँ, क्या मुझे इस देश में जीने का अधिकार नहीं है? क्या मुझे समानता का अधिकार नहीं है? चलिए अब हम अपने तीसरे अधिकार की ओर चलते हैं, जो कि है शिक्षा का अधिकार। अरे आज तो हमारे कॉलेज में फंक्शन हो रहा है, इतने सारे डेकोरेटिंग अच्छे से किए हैं सर।
छोड़ के जाओगे? ये सब मुझे नहीं मालूम, तुमको पता नहीं मैं किसकी बेटी हूँ? किसकी बेटी हो? यहाँ की कमिश्नर की बेटी हो, अगर उनको खबर पड़ी ना तो तुम्हारी लड़की यही कर रही है। कमिश्नर की बेटी हो तो तुम्हें तो दोगुना चालान करना चाहिए। तू कानून सबके लिए समान है, सबके लिए संवैधानिक अधिकार है, तुम्हें भी चालान भरना पड़ेगा। सरकार के लिए उसमें दंड का प्रावधान बताया है, सभी के लिए कानून समान है, इसलिए दंड का जो भी दंड के पद का भागीदार है वो दंड पाएगा। चलिए हम अपने दूसरे और अंतिम अधिकार के क्षेत्र में जो कि है शोषण के विरुद्ध अधिकार। आप लोगों ने चाहे आप सबको मालूम हो गया होगा और हमें धन्यवाद करना चाहिए।